सच वाला जी, एक सवाल था मेरा आपसे सर, शरीयत की जब हम बात करते हैं तो, और काफी फॉलो भी कर रहा था अफगानिस्तान के केस को, तो उनका सारा जो थॉट स्ट्रक्चर है वो देवबंदी इस्लाम पे है जो सुन्नी फिरके में आता है. पर सर जब हम शरीयत की बात करते हैं, 25% तो शिया है वहां पर सर जब हम शरिया की बात भी करते हैं तो अगर मुसलमान शरिया लाने की बात भी करेंगे तो कौन सा शरिया आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सुन्नी में भी अगर बरेलवी और देवबंदी है तो उसका मतलब तो ये है कि सुन्नी के अंदर भी कुरान के ट्रांसलेशंस को लेके इनके डिफरेंसेस हैं, और अगर मेन स्क्रिप्चर को लेके डिफरेंसेस हैं तो सर इनकी एक शरीयत जो उसका कानून बनेगा, क्योंकि कानून तो वर्सेस भी बनेगा ना, तो वो कैसे एक हो सकता है? तो अगर कहीं शरीयत गलती से आ भी गई, ये लोग तो फिर डिवाइडेड रहेंगे. हाँ ये तो होगा, क्योंकि ये शरीयत का नेचर खुद ऐसा है कि देखें कि शरीयत के लिए कोई कोई कंफर्म्ड और जो है कोई कोई ऐसी बुक है ही नहीं जिसको जो है सब लोग मानते हों, ऐसी कहीं कोई बुक नहीं है. ये शरीयत सिर्फ जो है ये दिखाई देने वाला टुकड़ा है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस कहीं कभी भी नहीं रहा. शरीयत के नाम पर ये लोग जो है कुरान को लेंगे, कुरान जो है इतनी वेग किताब है कि इससे कोई चीज भी साबित नहीं होती, कुछ भी साबित नहीं होता. अब अल्टीमेटली इनको क्या करना पड़ेगा, हदीस को लाना पड़ेगा. अच्छा, हदीस की कोई एक किताब है नहीं, हदीस की जो है यूं तो 50 किताबें हैं. अच्छा, उन 50 किताबों में झगड़ा यह है कि एक अगर मान लो चंद हदीसें अगर किसी स्कॉलर के यहाँ अगर वो जो है सही हैं, ऑथेंटिक हैं, तो दूसरे के यहाँ जो है वो वीक हैं, क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है. तो ये प्रॉब्लम तो जरूर आएगी कि कौन सी हदीस पर किस तरह से जो है उस पर अमल किया जाए. उसके बाद फिर इनके पास आता है उसको उसको कहते हैं इजमा. इजमा का मतलब होता है कंसेंसस. जब यह बहुत से स्कॉलर जो है किसी एक बात पर कुरान और हदीस की रोशनी में उनका अपना कुछ फैसला होता है, फिर भी यह प्रॉब्लम आएगा कि उस फैसले को कुछ लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे. इसके बाद फिर आता क्या है कि भाई उसको कहते हैं कयास. कयास का मतलब अगर जो गेस करना कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि ये इसके इसका जो है कोई सलूशन ना तो कुरान में है, ना हदीस में है, ना पिछले गुजरे हुए स्कॉलर्स के पास है, तो अब क्या करना है, लोग बैठकर गेस करेंगे. तो ये सारे जो है चूं चूं के मुरब्बे को जो है शरीयत कहा जाता है. तो मतलब फिर ये अल्लाह का कानून तो हुआ ही नहीं, तो इंसान का बनाया हुआ कानून है, बस बेची जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके. सिर्फ जो दिखाई देने वाला जो होता ना वो कानून तो इंसान ही बनाता है. ये सबसे बड़ा झूठ है कि जो है कोई कानून ऊपर से आया, ऊपर से नहीं आया, सब सारे नीचे से आए, और सारे जो है कानून बनाने वाले बड़े बड़े बदमाश हैं अपने अपने वक्त में. उनकी बदमाशियों को छुपाने के लिए इन्होंने अल्लाह का नाम यूज किया, इतना ही है और कुछ भी है, और कुछ भी नहीं. उसको जो है शरीयत का मुकद्दस नाम दे दिया गया. सही है. रिसेंटली एक सोमाली मुसलमान से मिला था जो कि अब लगभग अपना मजहब छोड़ चुका है, एंड वो जो सोमाली मुसलमान है उसने मुझे काफी चीजें ऐसी बताई जो, क्योंकि उनके यहाँ तो बिल्कुल ही बैकवर्ड कंट्री है, सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सिविल वॉर चलता है. तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि अगर ये मजहब हमारे मुल्क से चला जाए ना तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ है कि तरक्की हो जाएगी. तो मैंने उसे पूछा, मैं कहा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, कहता क्योंकि इतना, कहता हमारे यहाँ ये हाल है, शरीयत इतनी वो है, हावी है मुस्लिम क्लैरिक, ये कहता ये आपस में ही अपने जो चेले हैं उनको लड़ा लड़ा के मरवा देते हैं. तब मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा पर इतनी कट्टरता क्यों है, कहता कट्टरता इसलिए है कि गरीबी है और लोगों को कुछ पता नहीं मुल्क के बाहर क्या हो रहा है. तो मैंने तब सोचा, मैं कहा क्या ऐसा है कि जो थर्ड वर्ल्ड इस्लाम है, जो फर्स्ट वर्ल्ड इस्लाम है, वो भी एक तरह से अलग है. मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं. देखिए शरीयत जो है असल में पीछे पीछे की तरफ जाने का नाम है. आप समझिए, शरीयत को अगर मैं दो लफ्जों में कहूं तो वो उसका अर्थ ये होगा कि शरीयत क्या है, तो मैं कहूंगा शरीयत का मतलब है पीछे की तरफ जाना. क्योंकि साहब अब अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो मैं उनके ना तो उनका मेन जो ये जो लॉज भी ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमें नॉन ऑयल और नॉन रिलीजियस सेक्टर में अपना कमाई बढ़ानी है, ऐसी तैसी फिर रहे हैं अपने मजहब की. तो फिर वो मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, आप असल में जो पूछ रहे हैं उसी में आपका जवाब है कि सऊदी अरब जैसा कंट्री आज शरीयत के कुछ हो रहा है, शरीयत को पीछे डाल रहा है. क्यों डाल रहा है? क्योंकि उसको आगे जाना है,
उसको इस बात का, इस नुक्ते का पता चल चुका है कि शरीयत को लेकर मैं आगे नहीं जा सकता, शरीयत मुझे पीछे तो खींच सकती है आगे नहीं ले जा सकती। तो उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली शरीयत को छोड़ दिया। अब वो जाहिर बात है कि एकदम यानी एकलख्त ये सारा काम नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। उन्होंने जो स्टेप लिया है ये एक यूं समझिए कि एक आउटस्टैंडिंग जो है स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है उन्होंने जो हदीसों को छोड़ा। उसके बाद आगे चलकर और बहुत कुछ छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे क्योंकि ये चीजें जब तक जिस इंसान के साथ चिपकी रहेंगी इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, ये बात तो है, बिल्कुल सही। क्योंकि ये बात भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जहां जहां कुरान नहीं है वहां वहां तरक्की है, वहां इस्तेहकाम है, वहां जो है नज्म व ज़ब्त है, वहां जो है सुरखरू है, वहां वहां कामयाबी है। और जहां जहां कुरान है हदीस है वहां जो है हर तरह से पिछड़ापन है, हर तरह से। ये तारीख गवाह है, हम अपनी आंखों से देख लेंगे, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप खुद देख लें, दुनिया देख लें, जो है मुझे कहने की जरूरत नहीं है।